वो फिल्मों में भी हिट रही, राजनीति की भी दिग्गज रही, अम्मा नाम की उपाधि भी मिली, मुश्किल वक्त में जिस संकल्प को ले लिया उसे पूरा भी किया और विरोधियों की नाक में दम कर दिया। ऐसी शख्सियत थी जयललिता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। दक्षिण भारतीय क्षेत्र के तमिलनाडु राज्य में लोगों के बीच अम्मा नाम से जानी जाने वाली जयललिता को लोग उन्हें अपनी माँ की तरह मानते थे और भगवान की तरह उनकी पूजा करते थे। एक दौर में तमिल फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार रही जयललिता की आज 74वीं जयंती है। 24 फरवरी 1948 को कर्नाटक के तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाली जयललिता के पिता का निधन तभी हो गया था जब वो मात्र 2 साल की थी। पिता के निधन के बाद उनकी मां जयललिता को साथ लेकर बेंगलुरु में अपने माँ बाप के घर चली आई और वहां जाकर उन्होंने तमिल सिनेमा में काम करना शुरू कर दिया। बेंगलुरु और चेन्नई में शिक्षा प्राप्त करने वाली जयललिता ने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अपनी स्कूल के दौरान ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उनकी पहली फिल्म एक अंग्रेजी फिल्म एपिसल थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने कन्नड़ और तमिल फिल्मों की ओर रुख किया। जयललिता उस समय की पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने स्कर्ट पहनकर एक्टिंग की थी। वो उस दौर में बहुत बड़ी बात थी। उस दौर में साउथ फिल्मों के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन के साथ उनकी जोड़ी लोगों को बेहद पसंद आई। 1965 से 1972 के दौर में उन्होंने अधिकतर फिल्में एमजी रामचंद्रन के साथ ही की। जयललिता ने अपने पूरे फिल्मी करियर के दौरान 300 से ज्यादा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया है। अभिनेता रामचंद्रन ने जब अभिनय छोड़ राजनीति की ओर कदम रखा तो जयललिता ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और पॉलिटिक्स में कदम रख दिया। एमजी रामचंद्रन के बाद जयललिता सत्ता में लगातार दूसरी बार आने वाली तमिलनाडु की पहली महिला नेता थी। एमजी रामचंद्रन ने 1977 से 1988 तक लगातार सत्ता में बने रहने की हैट्रिक लगाई थी। रामचंद्रन के राजनीति में जाने के करीब 10 साल तक दोनों का कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन 1982 में रामचंद्रन उन्हें राजनीति में ले आए। हालांकि जयललिता ने ये बात कभी नहीं स्वीकारी। रामचंद्रन की इच्छा थी कि जयललिता राज्यसभा में जाएं क्योंकि उनकी अंग्रेजी काफी अच्छी थी। जयललिता 1984 से 1979 तक राज्यसभा की सदस्य रही, साथ ही उन्हें पार्टी का प्रचार सचिव भी नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि करुणानिधि द्वारा रामचंद्रन पर लगातार लगाए जा रहे आरोपों से परेशान होकर जयललिता को अपनी मदद के लिए बुलाया था। जयललिता एक शानदार वक्ता साबित हुई और अपनी पार्टी का पक्ष शानदार तरीके से रखा। कहा जाता है कि वो अपने भाषणों को रट लिया करती थी, जिससे उनके भाषणों में खूब भीड़ जुटती थी। एक महिला का प्रचार सचिव के पद पर तैनात होना पार्टी के बड़े औहदों पर बैठे नेताओं को शायद रास नहीं आया, जिसके बाद धीरे धीरे रामचंद्रन और जयललिता के रिश्ते में दरार पड़ गई। साल 1987 में रामचंद्रन के निधन के दौरान उनकी अन्नाद्रमुक पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, जिसके एक धड़े की नेता उनकी बीवी जानकी रामचंद्रन थी और दूसरी जयललिता। जयललिता ने रामचंद्रन की करीबी होने के नाते खुद को रामचंद्रन की विरासत का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। एक किस्सा ये भी सुनने में आता है कि जो लोग जयललिता को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने विधानसभा में बहस के दौरान हंगामे में उनकी साड़ी और बाल तक खींचे थे, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई थी कि अब वो मुख्यमंत्री बनकर ही विधानसभा में कदम रखेंगी। काफी अड़चनों के बावजूद 1991 में वो पहली बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री चुनी गई। जयललिता न केवल तमिलनाडु की पहली निर्वाचन महिला मुख्यमंत्री बनी, बल्कि सबसे कम उम्र में तमिलनाडु की कमान भी संभाली। 1991 से 1996 के बीच जयललिता का शासनकाल रहा। जयललिता ने अपने पंचवर्षीय कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए खूब काम किए। जयललिता ने अम्मा कैंटीन की शुरुआत की थी, जहां बेहद कम दामों में भोजन परोसा जाता था। जयललिता ने अपने शासन के दौरान जनता के लिए अम्मा नाम से एक नया ब्रांड ही शुरू कर दिया था, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु में अम्मा मिनरल वाटर, अम्मा सब्जी की दुकान, अम्मा फार्मेसी, यहाँ तक कि अम्मा सीमेंट भी सस्ते दामों में मिलने लगी थी। अपने कामों और प्रयासों से जयललिता की लोकप्रियता
काफी बढ़ गई थी तो वहीं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जिसकी वजह से करुणानिधि की डीएमके ने 1996 में जीत हासिल की। करुणानिधि की सरकार आने के बाद जयललिता के घर पर छापे पड़े, उन पर आय से ज्यादा संपत्ति होने का आरोप भी लगा। इसके अलावा जयललिता के गोद लिए हुए बेटे की शाही शादी करने को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हुई थी। साउथ के द्रविड़ प्रदेश की राजनीति बारी बारी से कभी जयललिता तो कभी करुणानिधि के इर्द गिर्द घूमती रही। 2001 में दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो सबसे पहले उनका गुस्सा करुणानिधि और उनके परिवार पर फूटा। 30 जून 2001 में फ्लाईओवर घोटाले का आरोप लगाते हुए करुणानिधि को आधी रात को हिरासत में ले लिया गया। वहीं 2001 में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल करने पर उन्होंने एक साथ 2,00,000 कर्मचारियों को बर्खास्त कर देश में हलचल मचा दी थी। विवादों ने जयललिता का पीछा कभी नहीं छोड़ा। दूसरी बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद को त्यागना पड़ा। 2004 में जयललिता को हार का सामना करना पड़ा। 2009 के लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद जयललिता ने गठबंधन के सहयोगियों की तलाश की और साल 2011 में विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की। इस दौरान जयललिता के विरुद्ध रची जा रही साजिश का पर्दाफाश हुआ। उनकी करीबी दोस्त शशिकला पर आरोप लगे कि शशिकला ने 25 साल से न केवल उन्हें बेदखल करने की कोशिश की बल्कि उन्हें मारने तक की साजिश रची थी। इसके बाद जयललिता ने शशिकला को अपनी पार्टी से निकाल दिया और उनसे पूरी तरह दूरी बना ली। हालांकि बाद में शशिकला ने उनसे माफी भी मांगी थी। जयललिता का दिल पिघल गया। कहते हैं कि अम्मा के नाम से जानी जाने वाली जयललिता को अपनी आलोचना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। 5 सितंबर 2016 को जयललिता का निधन हो गया। जयललिता की लोकप्रियता जितनी फिल्मों में रही उतनी ही लोकप्रियता राजनीति में भी बरकरार रही। इस वीडियो में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।